तो मूवी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर केन से, जिसने एक ऐसी माइक्रोचिप बनाई जिससे कि वो किसी भी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकता था। तभी उसने ये चिप एक फॉर्मर ऑफिसर जॉन पर यूज करी, जिसने इन कार्ड्स को दूर से ही स्कैन करके बता दिया कि किस पत्ते पर कौन सा कुत्ता बिल्ली छप रहे हैं। लेकिन तभी जॉन ने कुत्ता बिल्ली के अलावा इस बॉडीगार्ड का घोड़ा भी स्कैन किया, जिसे उसने मौका लगते ही छीन लिया। और ये गन उसने कमर खुजाने के लिए तो छीनी नहीं, इसलिए तब वो इन सब पर फायरिंग करने लगा। जो देखकर डॉक्टर केन अपनी असिस्टेंट विवियान से बोला कि इसकी चिप डीएक्टिवेट करो, लेकिन अभी जॉन पर इनका कोई कमांड काम नहीं कर रहा था। तभी इनके दूसरे असिस्टेंट एलेक्स ने भी अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन अभी ये जॉन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जॉन ने विवियान से वो टैब छीन लिया जिसके थ्रू ये इन चिप्स को ऑपरेट करते थे। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ एक एजेंट वाइल्ड भी थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बाकी इसी तोड़ाफाड़ी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डार्क एसेट्स। तो अब जॉन यहाँ से निकलकर एक सिक्योरिटी रूम में पहुंचा, जहाँ कंप्यूटर के साथ साथ काफी सारे लाल बत्ती वाले डब्बे रखे हुए थे। तभी उसने वो टैब उस कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा लंबा चौड़ा कोड लिखा, जिससे कि उसने अपनी चिप का ही एक्सेस कोड बदल दिया, ताकि अब डॉक्टर केन उसे ऑपरेट ना कर सके। बाकी उसने यहाँ कुछ और भी किया जो हमें आगे पता चलेगा। बाकी तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। खैर, अब ये देखकर एलेक्स और केन दोनों की लुप होने लगी, क्योंकि उनका एक रिसर्च ऑब्जेक्ट यानी जॉन अब बागी बन गया। साथ ही वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने फोर्स के यहाँ आने से पहले ही लैब से एग्जिट भी ले ली। तब ये देखकर डॉक्टर केन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें कि वो लोग आए जो कि इस प्रोजेक्ट पर अपना अंधा पैसा बहा रहे थे। और ऐसे लोग कौन होंगे? ऑफ कोर्स माफिया बॉस या बड़े बड़े ऑफिशियल, जिसमें कि एक ये फॉर्मर सेनेटर बेंसन और इसका ही चेला मिस्टर टैटिड भी था। तब डॉक्टर केन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम जल्दी जॉन को ढूंढ लेंगे, जो कि असल में इतना आसान नहीं है, क्योंकि जॉन का ना तो कोई दोस्त था ना फैमिली। खैर, अब इनकी ये खोज एक महीने आगे आई, जहां वो लैब वाली एजेंट वाइल्ड याद है ना, आइए इसको मरीना नाम की औरत ने एक पेन ड्राइव दी, जिसमें कि उस माइक्रोचिप प्रोग्राम का सारा डेटा था, जिस मिशन या कहो डेटा को एजेंट वाइल्ड खत्म करना चाहती थी। दूसरी तरफ जॉन इस सफेद प्लास्टर की लैम्बोर्गिनी में बैठकर एक बार में पहुंचा, जहां वो सारी लेडीज एंड जेंटलमैन को स्कैन करने के बाद इन मोहतरमा जेन के पास आया, जहां पहले तो जेन उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब जॉन ने कहा कि अगर तुम मेरी एक स्टोरी सुनोगी तो मैं तुम्हें अपनी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, तब लैम्बोर्गिनी का नाम सुनते ही जेन बात करने को क्या उसे पिलाने के लिए भी मान गई दारू। लेकिन जॉन जेन के पास ही क्यों आया, ये भी हमें एक्शन थ्रिलर मूवी के हिसाब से आगे पता चलेगा। तो अब जॉन ने जेन के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग शुरू करी, जबकि वो नहीं जानता था कि भाई तुमने लैम्बोर्गिनी दे दी तो इस फ्लर्टिंग वगैरह से अब कुछ नहीं होगा। खैर, तब भी उसने फ्लर्टिंग करते हुए जेन को बताया कि मैं एक माइक्रोचिप एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट हूँ, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में ही भाग आया, जो सुनकर जेन का थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया। लेकिन अभी जॉन अपने बारे में बताने से पहले उनके बारे में बताएगा जो कि बारी बारी इस प्रोजेक्ट में आते गए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, एजेंट हान, जिसे कि सेनेटर बेंसन ही वियतनाम से खरीद कर लाया था। तब डॉक्टर केन ने हान पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें जब हांस पास हुई तो बेंसन ने उसे अपने एक दुश्मन के घर में फाइल लेने भेजा। लेकिन जैसे ही हान घर में गई तो उसके पीछे से बेंसन का दुश्मन भी पहुंच गया, जिसके साथ हान की दुपड़ू लड़ाई होने लगी, जहां हान ने अपनी चिप लगे होने का प्रूफ देते हुए सबकी चाट पकौड़ी बना दी। लेकिन जैसे ही उसका मिशन पूरा हुआ, तब वो अपने रियल इमोशन में आई, जहां वो किसी की भी जान लेकर ना खुश थी। इसलिए अगले दिन जब ये बात बेंसन को पता चली
तो उसने हान को मरवा दिया, जिसके बाद ही ये पहला नंबर खत्म हुआ। अभी देखना ये सब कैसे कनेक्ट होगा। तब जॉन ने जेन को एक दूसरे एजेंट रोमन के बारे में बताया, जो कि बिल्कुल जॉन जैसा था, यानी मोमो। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब उसकी भी कोई फैमिली वगैरह नहीं थी। इसलिए डॉक्टर केन के टेस्ट के बाद रोमन को एक रशियन माफिया बॉस कैट्रो ने खरीद लिया। जबकि एक दिन जब कैट्रो की असिस्टेंट मरीना ने उसके लैपटॉप में उस माइक्रोचिप डेटा को देखा, तो वो उस डेटा को अपने पेनड्राइव में कॉपी करने लगी, क्योंकि उसे ये प्रोग्राम एथिकली सही नहीं लगा। हाँ, ये मूर्ति बहुत एथिकल है। खैर, तब वो यहाँ से जाती कि इतने में उसके बॉस ने उसे पकड़ लिया, जो बोला कि इसे हमारे पार्टनर के पास भेज दो। वैसे भी उसे इसकी जान चाहिए थी। अब मरीना को इधर से उधर भेजा जाने लगा, जिस बीच इस सारे कलेश को रोमन ने भी देख लिया, इसलिए उसने खुद जाकर मरीना की जान बचा ली, जिसके बाद मरीना ने वो पेन ड्राइव एक लॉयल और ट्रस्टेड एजेंट वाइल्ड को दे दी। लेकिन जेन को ये नहीं समझ आया कि आखिर जॉन उसे ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी उसे भी नहीं पता कि ये सारी कहानी आगे कैसे कनेक्ट होगी। खैर, अब उसने बताया कि बेंसन ने एक और सिविलियन विंडी का भी वो माइक्रोचिप टेस्ट कराया था, जिसके बाद बेंसन के चेले मिस्टर टैटिट ने विंडी की हेल्प से उसके दुश्मनों के वेयरहाउस में हमला करा दिया। साथ ही उसने कुछ फाइल्स की चोरी भी कराई थी, जिसके बाद विंडी का काम खत्म होते ही बारी आई हमारे जॉन भैया की, जो कि एक स्पेशल फोर्स का मेंबर होने की वजह से अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात डॉक्टर केन की चेली विवियान से हुई, तो विवियान ने उसे उस माइक्रोचिप प्रोग्राम को ट्राई करने के लिए मना लिया, और मनाने का तरीका भी इतना कैजुअल था कि कोई कैसे ही मना करता। खैर, तब डॉक्टर केन ने जॉन को यही कहा था कि इस प्रोग्राम से तुम इस देश का और भी भला कर सकोगे, लेकिन जॉन ने तो उल्टा उस लैब में क्या किया आपको पता ही है, और ये करने की वजह हमें आगे पता चलेगी। लेकिन जब वो यहाँ से भागा, तो उसका सामना कुछ बाकी सब्जेक्ट से भी हुआ, जो कि अभी तो आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक सब्जेक्ट ने जॉन पर हमला किया, जिसको जैसे तैसे उसने शांत किया ही था कि इतने में बाकी तीन सब्जेक्ट भी अंडरटेकर की तरह उठकर उस पर टूट पड़े। जहाँ ये दो सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया थी, बढ़िया मतलब अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन जॉन उन सबको खुराक देकर यहाँ से निकल गया। पर अभी के लिए उसने एक बात जेन से छुपा ली, क्योंकि अब उसने जेन से पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जेन ने बताया कि मैं तो एक ऑफिसर में काम करने वाली महिला हूँ, जो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। तब ये सुनते ही जॉन ने उसे बताया कि असल में उन सबको खुराक देने के बाद मैंने कंप्यूटर से जो कोड भेजे, उनसे मैंने ये किया कि जिस सब्जेक्ट के अंदर ये चिप लगी थी, अब वो अपने ही ओनर से इसका बदला लेंगे। जो कमांड मिलते ही विंडी ने मिस्टर टैटिट की बत्ती बुझा दी, साथ ही रोमन ने भी माफिया बॉस कैट्रो को बाहर बुलाकर उसके पीठ में चाकू घोंप दिया। लेकिन अभी बचा कौन? बेंसन। तो देखो, असल में बेंसन का हमें आगे पता चलेगा, पर अभी के लिए जॉन ने बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम उस लैब से विजिट होकर आया, तो उसके पास एक एजेंट वाइल्ड पहुंची, जो कि हमेशा से डॉक्टर केन के इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। इसलिए उसने जॉन को मरीना की दी हुई वो पेनड्राइव भी दी, ताकि वो इस पेनड्राइव के डाटा को रीड करके इस प्रोग्राम से बाहर आ सके। अब ये तो पता चल गया कि जॉन लैब से बाहर कैसे आया, लेकिन बेंसन को किसने मारा, ये बात भी हमारे जॉन भैया ही बताएंगे। असल में जेन के इस होटल में आने का असली रीजन बेंसन को मारना ही है। तब ये सुनकर जेन शॉक हुई कि क्या, कुछ भी बोल रहे हो? लेकिन नहीं जी, कुछ भी नहीं, बल्कि एकदम सच। क्योंकि जब जॉन उन सब्जेक्ट के रूम में गया था, तो वहां उसे जेन के नाम से भी एक बेड दिखा, इसलिए उसने जेन को बेंसन का कांड करने का कमांड दिया। जिस कमांड के मिलते ही जेन ने बेंसन से मिलने का प्लान किया, क्योंकि बेंसन जेन के साथ पिंकी पोंकी करता था। इसलिए तब जेन जैसे ही बेंसन के पास पिंकी पोंकी करने गई, तो वहीं उस कमांड के हिसाब से
जेन ने बेंसन को गॉडसन बना दिया। जिसे बीच उसका बॉडीगार्ड भी आया तो जेन ने उसे अपनी थाइज में दबाकर ही मार दिया। तब यह सुनते ही जेन के तोते उड़ गए कि इसको कैसे पता, इसलिए वो यहाँ से उठकर वॉशरूम में चली गई, जहाँ उसके पीछे यह हमारी विवियान भी पहुंची, जिसने जेन को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस दिया कि इससे तुम उसकी चिप निकाल सकती हो। तब यह सुनकर जेन दोबारा बाहर आई, लेकिन अब जॉन यहाँ से चला गया, जहाँ एक वेटर ने नहीं बल्कि डॉक्टर केन के चेले एलेक्स ने जेन को इनका बिल बिला कर दिया। पर तभी यह बिल के साथ साथ जॉन भी आ गया, जिससे जेन ने पूछा कि आखिर अब वो टैब कहाँ है। तब ये सुनकर उसने बताया कि वो टैब मैंने एजेंट वाइल्ड को दे दिया, जो कि उस टैब से सभी सब्जेक्ट को मार देंगी ताकि कोई उनका मिसयूज ना कर सके। लेकिन सब्जेक्ट तो खुद जेन और जॉन भी है, तो जॉन तो इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि उसने अपने कोड बदल दिए, और जेन क्यों नहीं मरेगी ये हमें आगे पता चलेगा। अब जेन ने यहाँ से जाने से पहले जैसे ही बिल रिसिप्ट देखी तो यहाँ एक स्कैनर को स्कैन करते ही जेन दोबारा से डॉक्टर केन के वश में आकर जॉन पर अटैक करने लगी। जैसे बीच यहाँ विवियान, एलेक्स और बाकी सोल्जर्स भी आ गए। तब जॉन ने अपनी चिप की पावर दिखाकर इन सबको कोने में फेंका, लेकिन तभी विवियान ने जॉन पर फायरिंग करी, जिससे घायल होकर जॉन ने भी एलेक्स को निपटा दिया। लेकिन इस बीच जेन ने उसकी वो चिप निकाल दी। अब ये सभी जॉन को डॉक्टर केन के पास ले आए, जहाँ केन दोबारा से उस पर अपनी रिसर्च कर सकता था। लेकिन तभी जेन ने बताया कि जॉन ने मुझे एक कमांड दिया था। तब डॉक्टर बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें बेंसन को खत्म करने के लिए कहा गया था। जिस पर जेन बोली कि नहीं, मुझे कमांड दिया गया था कि मुझे इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, जिसकी शुरुआत और एंड सब तुम पर होता है। जो कहकर उसने बेचारी क्यूटी विवियान और डॉक्टर दोनों को निपटा दिया, जिसके बाद जॉन और जेन एक साथ बहुत सारी चिप चिप के साथ रहने लगे। अब देखो कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब देखते हैं हम हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ अरुण भाई पूछ रहे हैं कि शाउट आउट मिलेगा क्या, तो जरूर मिलेगा भाई। सूरज भाई इस हॉरर मूवी की खीरे वाली बात समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने डबल मीनिंग का नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लिया है। साजिद भाई मेरे यूनिक स्टाइल के फैन हैं, तो थैंक यू ब्रदर। और मंकी भाई की रात को ये वीडियो देखकर लुप लुप हो गई भाई, लुप लुप तो मेरी भी हुई थी क्योंकि इसका हॉरर नेक्स्ट लेवल है। और बाकी सरोज भाई को शाउट आउट। तो चलो अब सब्सक्राइब बटन में चिप लगाकर हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।